नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने अपने गुरु आयुर्वेदा के वरिष्ठ वैद्य डॉक्टर देशचंद्र शुक्ला आपके सामने विराजमान हैं और आज आपको आपके बड़े काम की चीज बताने जा रहे हैं, जो आमतौर पर बहुत लोगों का हमें फोन आता है कि जगह जगह गांठ हो गए होते हैं, उस गांठ को हम किस प्रकार से अपने घरेलू इलाज से सही कर सकते हैं, आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो गांठ होता है, कई लोग बड़े परेशान हैं, कई लोगों के तो एक आध गांठ होता है, अब कई लोगों के तो पूरे शरीर में गांठ ही गांठ होते हैं, और गांठ जो है शरीर किसी भी जगह में हो जाता है और लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो आपके विचार से आप बताइए, ये गांठ कितने प्रकार के होते हैं और इन गांठों को किस प्रकार से हमारे जो दर्शक पेशेंट हैं वो अपने घरेलू दवा बना करके अपना सही लाभ उठा सकते हैं, इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको लाभ हो। ठीक, सवाल आपका अच्छा है और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार जो गांठ है वो सिर्फ गांठ ही माने जाते हैं मांस के। हाँ जी, हाँ जी, और उसे सिस्ट भी कह देते हैं, उसे ट्यूमर भी कहा जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ, तो आधुनिक मतानुसार तो यह है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गांठ तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा अच्छा, वात पित्त कफ, और कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है, शरीर के अंदर भी हो सकता है। और कई गांठ जो दिखाई देते हैं, कोई दिखाई देते नहीं है, हल्का सा उभार लिए होते हैं, वो भी गांठ ही है, वो भी गांठ ही है। ठीक ठीक, कभी कभी शरीर के ऊपर जो गांठे आपको दिखाई देते हैं वो रोम छिद्रों के बंद होने के कारण बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, उनके लिए साधारणतः अगर कोई तेल मर्दन किया जाए तो उससे भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, और विशेष गांठों के लिए आयुर्वेद में कई दवाइयां हैं, उनका अगर प्रयोग कर लिया जाए तो समय थोड़ा लगता है लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हाँ, लोग चाहते हैं कि भाई घरेलू इलाज से हम सही कर लें। तो इस बारे में आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? तो जानना चाहते हैं कि ऐसे प्रकार का उपयोग दवा हो जिसको लोग जो हैं अपने घर में प्रयोग करके सही हो सकते हैं, किन किन स्थितियों में सही हो सकते हैं और किन किन स्थितियों में वो घर में इलाज करके सही नहीं हो सकते। अच्छा, जो सही नहीं हो सकते वो तो संपर्क कर लेंगे आपसे, और जो सही हो सकते हैं अपना घर में प्रयोग करके सही हो जाए। ठीक, तो बाहर से जो गांठें दिखने वाली हैं उनके लिए घरेलू इलाज के तौर पर कांचनार वृक्ष की छाल का काढ़ा बनाएं और उसका सेवन करें, और ज्यादा पुराना भी ना हो। हाँ, ज्यादा पुराना नहीं हो, फिर काम नहीं करेगा। हाँ, इसके अलावा दूसरी वस्तु है वरुण। ठीक, वरुण जो है वो भी गांठ को पिघलाता है। ठीक, तो ये और दोनों चीज़ें मिला के भी ली जा सकती हैं। तीसरा है, इसकी मात्रा क्या रखेंगे अगर वो सेवन करेंगे तो? काढ़े की मात्रा 10 से 15 मिलीलीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुबह शाम। ठीक, और अगर कोई ऐसी गांठ है जल्दी नहीं पिघल रही है तो उनकी छालों का लेप भी लगाया जा सकता है। ठीक ठीक, उससे भी अगर काम नहीं होता है तो आप जो है घरेलू इलाज के तौर पर थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी ये सबसे बढ़िया है। और थोड़ी सी तंबाकू ले लीजिए खाने वाली। ठीक ठीक, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। क्या जी? गुड़, 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 हाँ जी, हाँ, और चूना। ये चारों चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर और थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लें और गांठ पे लगा के बांध दें। ठीक, ऊपर से सिकाई कर दें। कुछ दिनों में वो धीरे धीरे पिघल के बैठ जाए। जो सादे गांठ है, हाँ, इसके अलावा जो अंदरूनी गांठें हैं उनके लिए तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, चाहे पेट के अंदर में या बच्चेदानी में गांठ है, कहीं या स्तन में गांठ है, या सिर के अंदर गांठ है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ विशेष चिकित्सा है,
वो घर में नहीं हो सकते। हाँ वो जो है ऐसे बीमारियों के लिए गुरुवार से आपसे संपर्क कर लेंगे। हाँ, वो अगर हमसे संपर्क करते हैं और दिखाते हैं तो उनकी व्यवस्था हो सकते हैं। अब कुछ डॉक्टर साहब ऐसे भी गांठ होते हैं जिसपे कैंसर के कीटाणु पाए जाते हैं, अगर उनको संदेह हो कि भाई मैं कैंसर नहीं, कैंसर तो कहीं नहीं है, तो उसका निराकरण कैसे करें, उनके लिए क्या यह टेस्ट करा करके आपको भेजा जाए? सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड ही कराएं। अच्छा इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट हैं अच्छा वो हो जाएंगे। हाँ, ठीक। उससे पता लग जाएगा कि मतलब ये कैंसर की तो गांठ अगर है या मान नहीं, लो कैंसर के गांठ भी हैं तो अभी पिघल वो भी जाएगी, सही हो जाएगा। वो भी सही हो जाएगा। तो भाइयों, आपने हमारे डॉक्टर जयचंद्र जी को सुना, अगर आपको गांठ है इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घरेलू उपाय को करके देखिए, लाभ हो जाता है तो अति उत्तम, अगर लाभ नहीं होता है तो जो हमारे गुरुवायदा के वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं उनसे संपर्क करके उनके परामर्श लेकर के अपना चिकित्सा चला सकते हैं। और किसी प्रकार के गांठ के बारे में आपको अगर प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दे दिया जाएगा। जय हिंद। नमस्कार।